क्या क्या खा रहे हैं लोग भाई, कुछ नहीं पता लग रहा भगवान कैसा। वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो हो चुकी है हमारी सुबह, इंडिया में बज रहे होंगे 7:30 और यहाँ बज रहे हैं 9। और सच्ची में बड़ा बुरा हुआ, पता है क्या हुआ? हमें 8 बजे उठना चाहिए था, हमें खाना भी खाने जाना है, 10 बजे वो हमें लेने आ जाएंगे। सुपर फास्ट ट्रेन की तरह फटाफट तैयार हो जाते हैं। यस, जल्दी से होते हैं हम लोग रेडी। तो वाइब कुछ ऐसी थी, ये जैसे हम लोग सुबह उठे, स्विमिंग पूल एंड चेयर्स, लेकिन हम इनको भी यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज अभी हमें जाना है आइलैंड के ऊपर जिसका नाम है फी फी आइलैंड। और वहाँ पे हम लोग जाके काफी ज्यादा फन करने वाले हैं, काफी ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स करने वाले हैं, मस्ती आएगी खूब। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों की गोवा से क्या क्या डिफरेंसेज हैं वाटर स्पोर्ट्स में, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने गोवा के थे खुशी वाटर स्पोर्ट्स और वो वाले हमने डाले भी नहीं थे। हाँ, एंड वाइब गाइस आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया आके कहीं ट्रैवल करते हो तो वाइब आपको कुछ ऐसी मिलती है। ये हमारा बेडरूम एंड यहाँ आप लोग देख सकते हो बेसिकली ये वॉक इन वार्डरोब है एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको वॉशरूम एरिया, यहाँ पे मिल जाता है बाथ टब, यहाँ पे वेट एरिया और यहाँ पे टॉयलेट है। और तो आप लोग देख सकते हो बेसिकली बहुत ही सही वाइब है बिल्कुल होटल की। और बाहर मिल जाता है अपार्टमेंट, बेसिकली इट्स अपार्टमेंट 2 BHK। यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे ड्राइंग एरिया है। सो आज के दिन की करते हैं शुरुआत लेके भगवान का नाम। सो गाइज अगर आपने अभी तक व्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज मज़ा आने वाला आज के व्लॉग में बहुत सारा। चलो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और मुझे बहुत तगड़े वाली भूख लगी है। कोई जिम विम नहीं हो रहा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। आप वाइब चेक कर सकते हो बेसिकली। सो लेके आई थी मैं ये सोच के प्रोटीन भी होगी, प्रोटीन तो छोड़ो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ तो प्रॉपर खाना टाइम से हो जाए और हमारे काम ही खत्म हो जाए, इतने बहुत है। मैं क्या, हमारे रूम के अंदर बेसिकली ऑलरेडी पूल है, मतलब हमारे विला के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों को बाहर सबके साथ पूल में एंजॉय करना है तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बेसिकली इतना प्यारा पूल है पूरे होटल के चारों तरफ, और मैं होटल का नेम भी नीचे मेंशन कर दूंगा। इफ़ यू वांट टू कम तो आप यहाँ पे आ सकते हो। देखते हैं कि हम इंडियन कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। लेट्स सी, हम लोग दोनों चल के थोड़ा थोड़ा ढूंढते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं क्या है फूड में वो देखते हैं अपन चल के। अब थाई फ्रेग्रेंस आ रही बहुत, हाँ, और वो मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। या आई वांट वाटरमेलन लेना, पाइनएप्पल लेना, आई वांट वन बनाना आल्सो, थोड़ा मुझे समझ बैठ गया चिकन बनाना है। कुछ गरम दाल मंगवा लेंगे, ये लेते हैं ना राइस, हाँ बिरयानी राइस विद दाल है, पकौड़ा और वहाँ पे कॉफ़ी चाय और दूध सब का। अब उसके अंदर पता नहीं क्या होगा, कमाओ साई साई लिखा है, कमाओ साई साई। इफ यू वांट, ये कुछ साला अजीब ही गरीब चीज़ें खा रहे हैं। क्या क्या खा रहे हैं लोग भाई, कुछ नहीं पता लग रहा भगवान कैसे। बाबू आप वो नहीं खाओगे कमौन साए साए? कम नहीं, सोया मिल्क है, सोया मिल्क ना तो कंपल्सरी है। बाबू जान बच गई आपके लिए, शेक्स वगैरह हैं काफ़ी सारे। टोफू टोफू और स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, ब्लू योगर्ट है, होम योगर्ट है, प्लेन योगर्ट है, योगर्ट है, वो शेक्स हैं। ऐसा खाते हैं तो बाद में बिरयानी। अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट ले तो लिया है, अब देखते हैं खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा। स्मेल आ रही है ना, सच बताना, बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। और इसमें बिल्कुल थाई टेस्ट है, बिल्कुल मत खाना, अगर खा लिया आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये इसको हाथ भी मत लगाना। तो मैं अभी एक बाइट ये चावल और दाल ले रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है इसमें। आई लव कोहिनूर रेस्टोरेंट। ओके देखो शक्ल दिख रही है मुझे उसकी, बट तेरी भी काकर इसकी तो पता नहीं तुम्हारी दिख रही है। तो आज फ्रूट्स ने जान बचा ली खुशी। आपने तो एग और ऑमलेट बोला था, आइसक्रीम क्यों दी आपको? इसको छीन दो क्या आप, मेरे नेल्स हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इफ़ यू आर इंडियन और आप नॉन वेज नहीं खाते तो आप ना ब्रेकफास्ट मत लेना। ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराओगे आपके चार्जेस बढ़ेंगे, बट आपको जो वेराइटी चाहिए वो नहीं मिलेगी बिकॉज मैंने देखा है यार वेज के लिए इंडियन में यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये दाल चावल है जिनका टेस्ट भी थाई टेस्ट जैसा है। एक्स्ट्रा यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूड मत करो, आउटसाइड आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स होंगे, वहाँ पे जाके आप कुछ भी अच्छा अच्छा ले सकते हो। यहाँ पे जूसेस आर ओके, जूसेस बहुत अच्छे फ्रेश जूस निकाल रहे हैं वहाँ पे। बेसिकली खुशी का कहना यही है कि अगर फूड क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको उनका टेस्ट पसंद नहीं आएगा बिकॉज आप लोग रेगुलर यूज में खाते नहीं हो। जूसेस ट्राई करते हैं चलो, क्योंकि और तो मैंने कुछ खाया नहीं खास। फ्रेश जूस। Excuse me, one carrot and beetroot. Oh, yeah, she is Khushi Chaudhary and I'm Vivek Chaudhary. I'm Lukin. Welcome to Ganmakya Phuket Pataya. Thank you so much. Thank you so much. क्या बोलूँ ना? सीट बहुत गर्म थी लेकिन मैं बैठ गई, मैंने कहा तो बैठ गई क्यों उठना। मेरे को लाओ जूस नहीं थी। सर जूस ला दो। आ रहा है मैडम, आ रहा है मैडम, थोड़ा जूस। थैंक यू सो मच। लीजिए बेटा। जो आज के हमारे गाइड रहने वाले हैं वो आ चुके हैं ना। यार वैसे ना एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सो यू डोंट नीड टू कैरी शूज़ एंड हील्स, क्योंकि यहाँ नहीं नीड पड़ती। मैं शूज़ लेके आई, हील्स लेके आई, लेकिन मेरे को कंफर्टेबल सिर्फ और सिर्फ स्लीपर में है। स्लीपर, अच्छे अच्छे स्लीपर लेके आ जाओ, 2-3 पेयर, इट्स इनफ फॉर यू। सो नाउ वी आर रेडी फॉर मूव एंड हम लोग जा रहे हैं फी फी आइलैंड। फी फी आइलैंड से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स होगी या जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी मस्ती हम वहाँ लोग करने वाले हैं वो सारी अपडेट आपको दूंगा मैं आज वाले व्लॉग में। सो व्लॉग में बने रहिएगा एंड कितना खर्चा हमारा हुआ फी आइलैंड पर, क्या सब चीज़ें अपडेट रहती है, सारी अपडेट आपको आज के व्लॉग में मिलेगी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बेसिकली शुरुआत यहाँ से कि हमारे जो गाइड हैं वो आने वाले हैं, वो बाई कार हमको लेके जाएंगे एंड जो हमारी क्रूज़ है वो वहीं पे जाके बताऊंगा क्रूज़ का कैसी है। यार एक चीज़ का मुझे बहुत दुख लग रहा है कि हम इसमें कब नहाएंगे, पता नहीं कब आएंगे कब जाएंगे, और जो ड्राइवर भैया वो आ गए और हम लोग लेट हैं तो हम लोग जिस भी टाइम आएंगे मैं सबसे पहले इसी में जाऊंगा। लेकिन और जब सीता ने हमारा रूम अपग्रेड करा था, अगर सीता यहाँ पे होगी तो हम उसको थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओह माय गॉड। सो वही भाई आए हैं हमें लेने के लिए, जो हमें एयरपोर्ट से ये कल कह रहे थे कि मेरा फ़ोन नंबर ले लो, फ़ोन नंबर ले लो, याद है आपको? शिट, हमें कम समझ में आती है ना भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रो। How much time it will be take? खाओ नहीं लुखा हमारा। ये लो बता दिया, समझ आ गया। कुछ वाइब रहती है यहाँ की, जो वैंस होती है आप लोग देख सकते हो बेसिकली। और इसमें ना एक अच्छी चीज़ है, गेयर यहाँ नहीं होते, गेयर इसके वहाँ पे है। तो डीजे चल चुका है हमारी वैन में। 5 AM and we are in trouble, but we don't really care. बच्चे के लिए इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, देख सकते हो आप। छोटा बच्चा था उनका तो उसकी वजह से एक जैसा हुआ ना, जैवी रूपी वो ड्राइव करने वाली वो बाइक टाइप वैसा कुछ सीन था, और छतरी ले रखी साथ में, मस्त है। Where's our cruise? This one? Wow, it's lovely. Hello. Wow, nice. कितना प्यारा वाइब है यार इसका ना। हम लोग आ चुके हैं क्रूज़ में और हमने रखा है इसको प्राइवेट, मतलब इसमें स्टाफ और हम होंगे, बिकॉज शूट करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे विवेक ने कल बताया था, हम बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा थोड़ा वैसा एक्सपीरियंस होने वाला जैसा गोवा में, पर तब फैमिली के साथ में। तो हम यहाँ पे पूरा डांस वांस कर रहे थे, बट वी विल ट्राई कि हम यहाँ पे भी इंजॉय करें, मोमेंट बनाएं। तो ये देखो यहाँ पे इंजन इतनी फोर्स लगाता है, यहाँ पे इंजन आप लोग देख सकते हो। यार बीवी हो तो ऐसी जो बाहर जाकर भी साथ देती है, वरना लोग बाहर आके मैंने सुना बदल जाते हैं। कुछ भी भाई, मेरा बाबू बहुत ही अच्छा है यार, लव यू बेटा। वाह यार, आई मिस यू मॉम, आई मिस यू एवरीवन। सच में यार घर वाले होते ना भैया। पिछली बार हमने पता क्या करा था, इसमें हमने बोट में इतनी गंद डाली थी हमने बोट में। वाह, थैंक यू सो मच। ये चिल पिल लगन भाई, Cheers bro, cheers। बाद में वाटरमेलन पड़ेगा। इतनी खतरनाक है, इसने भी देख लिया इसके अंदर क्या क्या है। कहती बाद में हमें वाटरमेलन मिलेगा, इसके अंदर रखा है। अभी जो मेन प्रोग्राम है वो ये है कि लास्ट टाइम मैं गोवा से गई थी, बहुत काली हो गई थी, तो मैंने भर भर के सनस्क्रीन लोशन लगा लिया ताकि। सो अगर आप लोग भी आओ तो सनस्क्रीन लोशन जरूर लाओ, किसी भी कंपनी का लाओ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत हवा चल रही है, समुद्र के बीचों बीच, आसपास कुछ भी नहीं है, कितनी होगी हमारी लगभग। भीड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन मज़ा इनटू 100 आ रहा है गाइस। आई वांट कि आप लोग आओ एंड आई वांट कि हम फैमिली को लेके आए। इट्स अमेजिंग गाइस। ये वाला व्यू है ना, आपको पता नहीं चल पा रहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, कैमरा में नहीं पता चलेगा। तो व्यू है कुछ ऐसा। ये कैसा फील हो रहा है नानू? मैं बोट में ड्राइव कर रही हूँ। गाड़ी तो कभी चलानी है तो मेरे को इतनी लंबी मिली जितनी स्पीड में, तो मैं बोट ड्राइव कर रही हूँ। बहुत 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 मजा आ रहा है। और पर्सनल के ये फायदे मैं आप लोगों को बताता हूँ, पर्सनल क्रूज के क्या फायदे हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पर्सनल क्रूज। ड्राइवर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा स्टाफ है और इन्होंने हम लोगों को ड्राइव करने दिया, लेकिन यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा है। पीछे की वाइब अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हो फिलहाल, ये है हमारी लोकेशन जहाँ पे आइलैंड है। आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन। ये है तो हमारी बोट हो चुकी है स्टॉप। और पानी का कलर आप देख सकते हो, इतना प्यारा कलर है, इतना प्यारा। लेकिन मुझे डर लग रहा है, जब पहली बार हम कूदते हैं इसमें बहुत डर लगता है। तू वाटर कलर चेक कर यार। विवेक इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर पूछ रहे हैं खुशी कि इसके अंदर बेसिकली क्या होगा। तो हमें लाइफ जैकेट्स मिलेगी। पानी का कलर तो चेक करो। ये है एक्सपीरियंस जो आप लोग फिलहाल हमारे पीछे देख रहे हो। वाटर कलर आप चेक कर सकते हो। यार मुझे बड़ा कसम, मैं माँ औरों को मिस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। अगर वो लोग भी यहाँ पे होते हैं ना, मैं सच्ची में विवेक को सुबह से कह रही हूँ कि यार नेक्स्ट ट्रिप हम अपनी फैमिली के साथ बनाएंगे। बिकॉज ना देखो हम इंजॉय कर रहे हैं ठीक है, बट जब वो एंजॉय करते हैं तो हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे हम लोग अब आए हैं सब लोग साथ में, लेकिन एक होता है ना फैमिली को मिस करते हैं। अगर फैमिली भी आती है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम आगे एंजॉय करने का। ट्रिप बनाएंगे बहुत जल्दी, मतलब मेरा है कि नेक्स्ट मंथ हम लोग फिर से प्लान करें। नेक्स्ट मंथ आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि आपको हमारे ट्रैवलिंग ब्लॉग कितने अच्छे लगते हैं और आपको ट्रैवलिंग में फैमिली देखना कितना अच्छा लगता है। मैंने कल बोला था आप कमेंट करोगे तो मैं अगले बार फैमिली को लेके आऊँगा। तो अब आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू, कुछ ऐसा फील है यहाँ का। तो मैं प्रॉपर आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी करके भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे है ना कि मतलब मुझे अपनी आंखों पे लिटरली बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। गर्मी पूरी लग रही है और मुझे पता है टैनिंग भी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा मजा आने वाला है समुद्र के अंदर जाके। यार इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा। आप देख सकते हो आप यहाँ कितनी सारी बोट्स हैं और इट फील लाइक्स ओ माय गॉड। लास्ट टाइम जब स्कूबा करी थी वो हम डाल नहीं पाए थे, लेकिन मजा पूरा आया था। हम लोग हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो वाटर का कलर है बहुत ही प्यारा है। सो लेकिन पानी इतना ठंडा होगा ना, हवा टाइट हो जाएगी। अगर आप लोग कहोगे तो वो भी हम लोग डाल देंगे। उसमें हमने पूरी फैमिली के साथ करी थी स्कूबा। बेसिकली गोप्रो जो शूट कर सकता है ना, वो इनके बस की बात नहीं है भाई। तो अभी मैं जाके दिखा के आता हूँ भाई। भैया लेकिन कैसा लग रहा है आपको? अपनी आपकी बहन ने ट्रिप स्पॉन्सर करा है। बहन वो तो अच्छा लग रहा है। माचो अभी हम सुरक्षा जैकेट पहनने के लिए। लेकिन वाह यार देखो गाइस, खुशी की जैकेट हो चुकी है टाई। आर यू एक्साइटेड गाइस? Yes, we are। एक चीज का बहुत बेनिफिट है, जैसे अभी हमने अपना प्राइवेट रखा है उसमें, जैसे पानी आपको पता बहुत ज्यादा सॉल्टी, तो आप बात भी ले सकते हो अच्छे से। वाह। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो आप लोगों ने देखा हमने बहुत मस्ती करी है। साता कमोन। हमें माया बीच जाना था, बट हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने भैया से रिक्वेस्ट करी कि पहले हमें वहाँ ले चलो। तो अभी हम लोग चलते हैं कुछ खाने। अब मैं यहाँ पे ढूंढूंगी इंडियन फूड कि इंडियन फूड किधर है। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, पता नहीं कौन सा बीच है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। अतातामा बीच। तो ये बहुत ही अच्छा फील दे रहा है, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में होता है वैसे है उधर बीच। 100 टाइम अच्छा कलर लग रहा है। तो अभी हम लोग ढूंढेंगे इंडियन फूड। तो चलो हम पहले सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सामने इतना पानी है, यहाँ पे आप सी साइड बैठ के कुछ खा सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ के लोग थाई जानते हैं, तो मैं अपनी लैंग्वेज को थोड़ा ऐसा कर रही हूँ कि उनको समझ आ जाए। तो थाई बोलने की कोशिश करी, पता थाई तो नहीं आती, लेकिन इंग्लिश ये वो सब मिक्स है। ये है यहाँ पे टेंपल और आप लोग देख सकते हो बहुत सारे भगवान की मूर्ति और कोल्ड ड्रिंक भी चढ़ा रखी है फैंटा किसी ने। वाह लवली। तो लखन भाई पूरी अफवाह फैला रहे हैं यहाँ पे। अरे नहीं यार, ऑडियंस कुछ बता देगी क्योंकि उन्होंने देखी होगी ना यहाँ पर वो आए थे प्रोफेसर। ये वाला नहीं था बट इससे मैचिंग क्या थी प्रोफेसर सर तो बता रहे हैं मनी हिस्ट बनी यहाँ पे। ये हमारे साथ गाइड है हमारे और ये हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आई रियली डोंट नो अबाउट कि कहाँ मिलेगा इंडियन फूड। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? आई एम फ्रॉम म्यांमार। हिंदी भी आता है फिर तो चलो हिंदी में शुरू होते हैं। फाइनली इंडियन फूड मिला। मेरे को लग रहा था मैं भूखी बन गई। सो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग लेने वाले 3 वेज थाली। तू तो है थैंक गॉड कि इनकी समझ में आया कि हमें क्या चाहिए। या श्योर, थैंक यू सो मच ब्रदर। बहुत ही टेस्टी खाना, बहुत ही बाकी मोम बहुत टेस्टी खाना बनाती है। आपका सो ये जो आंटी हैं इन्होंने हमें खाना खिलाया, लेकिन ये आंटी वैसे ही लग रही है। ये इनका बेटा है। हेलो करो, हेलो हेलो सर, हेलो। तो ये इनका बेटा है बेसिकली। बहुत अच्छा खाना बनाना 100%। आप लोग बहुत अच्छे हैं, जितने टिकटॉक में अच्छे बनाते हैं ना, बहुत वैसे। थैंक यू सो मच। ये लेना मुझे ये वाला। शी इज नाइस, थैंक यू वेरी मच। आप जरूर आइएगा। श्योर 100%। हम लोग पक्का नेक्स्ट टाइम विद फैमिली भी आएंगे। वी वांट दिस। थैंक यू सो मच मुझे टेस्टी ये दिलाने के लिए। एक्चुअली गाड़ी में बहुत भूख लगती है मुझे, तो जिन्होंने कैमरा पकड़ा वो भैया पीछे उल्टा सारे पीछे देखते हुए। यार इज अ नाइस मैन, मतलब इतना अच्छा आदमी है। इतने मेरे रास्ते ले लिया इसने, कहा कि मतलब अपने आप की अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी कि आप सुबह से शूट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपकी गरीबी, कहता मैं आपका शूट करूँगा। यार आई लव यू ब्रदर, आई लव यू। और मतलब बहुत भिन्न जगहों से लोग जब आते हैं, उन्हें हम देखते हैं तो हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वीके फैम के लिए अच्छे 360 के शॉट लेने और ड्रोन के, क्योंकि आप लोगों ने जब से हम ड्रोन लेके आए हैं शॉट मिलेगा। ड्रोन रेडी और इसके बाद आपको दिखने को मिलेंगे ड्रोन के शॉट। में भी इस व्लॉग के स्टार्टिंग में भी आपको मिल गए होंगे। यहाँ की ब्यूटी के हम शॉट दिखाएंगे। सच्ची में ट्रस्ट में मालदीव्स वाली फीलिंग आ रही है ना। yes, बहुत ही वाइब के। तो भाई इस चीज को बचाने में आप लोग पता है पहले व्लॉग में कितनी दिक्कतें हुई थी हम लोगों को। सिर्फ आप लोग सिर्फ वीके फैम के लिए तो लाए हैं हम। सॉरी रेडी ये my best friend didn't care about the rules, good on the weekends I'll be in fools drifting to deep space, so brave and so stupid just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. ड्रोन के शॉट अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो हम जिस जगह जाएंगे अगर वहाँ पे ड्रोन अलाउ हुआ तो हम लोग ड्रोन के शॉट बहुत सारे लेंगे। वाइब बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और जो मैंने एक चीज देखी यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत सारे हैं, कनाडा से, अमेरिका से बहुत सारे। और अभी हम लोग यहाँ से निकल गए थी फाटू, पता नहीं कौन सा बीच था। और हाई फाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माया बे और वहाँ जाके देखते क्या होगा। व्हाट अ ब्यूटी। सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने हमारी वजह से रोकी है ताकि हम फोटोज ले पाए। तो ये है मंकी बे और अभी पता क्या हुआ, ये भैया हमारी वजह से रोक रहे कि हम देख लेते। इसका नेम है मंकी बे बिकॉज ऑफ यहाँ पे मंकी रहते हैं। सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। माय गॉड कितनी फिशेस। Maya Beach. Maya Beach. Good walk. Yeah, back side. Okay. Walk on the beach. अभी हम लोग माया बे पे हैं, मे बी यहाँ पे कुछ हो रहा है। देखो विवेक, यहाँ से दिखाओ कॉर्नर से, कुछ तो है वहाँ पे, देखने जाना पड़ेगा। हाँ, देख के ही पता लगेगा। हाँ। सो ऊपर जाके हमें पता लगेगा बेसिकली वहाँ पे क्या चीज़ है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर एंड ये वाइब देखो, बेसिकली ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। सब लोग आए हैं और हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर। क्या होगा आपको कोई आइडिया है? हम चलते हैं लेकिन देखेंगे ज़रूर। और भाई मुझे तो बहुत सही वाइब आ रही होगी, सब लोग ऊपर से आ रहे हैं ना। आई थिंक ना यहाँ पे टिकट लगेगा किसी चीज़ का, तो भाई बता रहे हैं अभी नहीं। ये लेकिन यार रियलिस्टिक है के बीच में आ गया, नहीं लग रहा रियलिस्टिक यार, ऐसा लग रहा है कि। और मैं सच बताऊँ आपको, जो मनी है उसके शॉर्ट्स हैं जो बता रहे थे ना भाई, यहीं से हैं वे। और ये कूल एंड काम एंड चिल वाइब आ रही है, चिल वाइब। पनोक ना 1 आवर ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं टिकट। पे बना हुआ है ये, बहुत ही अच्छी जगह पे। जब भी कुछ भी खाने को दिखता है, मैं और नीतू ज़रूर खाते हैं, क्योंकि ना इंडिया वाला अगर कुछ दिखता है, लाइक नारियल पानी इंडिया में मिलता है, यहाँ भी देखो। पहले से करेंगे ऐसे ओपन। मैं ना इन्हें 2 दिन से बोल रहा हूँ कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो हर फ्रूट्स का टेस्ट यहाँ पर बहुत अलग है। आ चुके हैं माया बेबी एंड ट्रस्ट में, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की। मैं आपको चेक कराती हूँ 3, 2, 1 सो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल बीच है। एंड यहाँ की जो सैंड है बहुत वाइट है, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है वाइट टाइगर जैसी। जो वाटर है वो मालदीव्स की तरह है, बिल्कुल ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन सा। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे आप एक्सक्यूज मी, यू कैन टेक अ पिक्चर। यू आर नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितनी अच्छी कंट्री है, हम यहाँ चप्पल उतार के गए थे और किसी ने नहीं उठाई। इंडिया में लोग मंदिर के बाहर नहीं छोड़ते। गाइज अभी हमारे जाने का टाइम हो गया, हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं और जाके थोड़ी रेस्ट भी करनी है। तो अभी हम बोट पे जा रहे हैं। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला था कि व्लॉग्स का क्रेज़ ना इतना ज़्यादा हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड। सो ना सभी लोग यहाँ पे गोप्रोज कैमराज, मतलब गोप्रो तो ऐसा हो गया कि अगर कोई बाहर निकलेगा तो गोप्रो तो नेसेसरी हो गया, वो ज़रूर लेके निकलेगा। सो मतलब लास्ट हम लोग लगभग 3.5-4 साल से व्लॉग्स कर रहे हैं, लेकिन जितना क्रेज़ मैंने इस लास्ट 1 साल में देखा ना व्लॉग्स का। उनके लिए तो नंबर आई लव ग्रीनरी, यस यू कैन चेक, ऐसी कुछ वाइब है। मैं आपको वाटर की क्वालिटी दिखा देती हूँ, देखो वो देखो ब्लू कलर की वो अलग ही दिख रही है और वो। सो हमारी बोट आ चुकी है फिलहाल, अब हम लोग निकल रहे हैं वापसी की ओर। चलिए हम लोग जा रहे हैं स्कूबा करने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बिकॉज ऑफ वीके फैम खुशी बहुत सेक्रीफाइस कर रही है, नहीं जा रही बेचारी हमारे साथ, एडिटिंग करेगी खुशी। So, मैं लेके जाने वाला ड्रोन को नीचे, और अगर कोई अच्छी फिश दिखी तो आप भी उसका मजा लेंगे। तो मैं आई हूँ आप लोगों का थोड़ा साथ देने, तो आप कूदना। ओ वाह, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up. देख रहे हो, प्लीज कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लग रही है, because until we're in the ground. आई थिंक यहाँ का ही, यहीं से तो गए थे हम लोग, यहीं से गए थे एग्जैक्टली। यस, लखन भाई को उठाते हैं। बाय बाय, बाय बाय। नाइस पर्सन, नाइस टू मीट यू ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू आर वेरी कोऑपरेटिव। बाय बाय। एंड यू आर आल्सो, थैंक यू सो मच। या या या, मेरी सुजुकी आ गई है दोस्तों, आप देख सकते हो। ओह पुश इट, तुझे फोन दिया था एंड में यार, फोन में तुम लोग फोन भी नहीं देखते। इसमें मेरे यार कुछ भी नहीं बचेगा। एक सेकंड ट्राई कर रहे हैं। आईफोन है ना दोनों, दूसरा सैमसंग भी है क्या यार? यहाँ पे भैया एक सेकंड ट्राई कर रहे हैं। एक सेकंड भाई जा रहे हैं भैया अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पर नहीं दो फोन गिरे भैया। मेरा भी फोन गिर गया। तेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन भी उसी में था। मेरा पक्का पहले कंफर्म कर लो, कितने कभी वो ढूंढते रहे। जस्ट वन फोन। ये या तो कैमरा था या सैमसंग का फोन था। कांग गया ना भाई, बस मिल जाए यार। अरे वो तो बाहर ही रखा था फोन। ओ भाई ने तो मना कर दिया कि उसके बस की नहीं है कैमरा निकालना फोन। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो प्रोडक्ट ही बहुत महंगा भाई। वो विक्की ने गिफ्ट किया था अभी। और बहुत सारी ये है कि जो इसमें कुछ भी ना हो तो महंगा प्रोडक्ट है। दूसरे सारे अभी दूसरे भैया जा रहे हैं, देखो बेचारे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन वाले भैया को बुलाया जाए, वहाँ से जितना भी पे लगेगा दे देंगे, लेकिन बात ये है कि वो प्रोडक्ट मिल जाए, जैसा भी मिले हमारा वापस आ जाए भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। सो जो हमारी बोट को ड्राइव कर रहे थे वो थोड़ा स्विमिंग अच्छी कर लेते हैं। लखन भाई अगर ये निकालते हैं यार, हमने पे करेंगे भाई, बिल्कुल पे भाई कितने मिलेगा यार, सब कुछ उसी में। कोई चक्कर जा रहे हैं भैया भाई, मेन से उसी में। तुम पीछे हम आए हुए, हमारा पूरा ट्रैवल एजेंट के नंबर, मेरा जो नंबर ऑन है वो भी उसी में, सब कुछ उसी में मेरा यार भाई। वो तो सोचो ही मत कि वो बिना तुम जाने वाले नहीं उसे यहाँ से। दूसरे भैया ट्राई कर रहे हैं। अंदर तो बहुत कचरा है, बहुत ब्लैक फोन ओनली। मुझे लगा कि अंदर सिर्फ एक प्लेन जगह होगा, गिराओगे उसके ऊपर होगा, ऐसे ठा लेंगे, पर अंदर तो बहुत कूड़ा कर बाबू। अब वही हो गया कि मिलना भी इम्पॉसिबल सा हो रहा है वो, कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाए, क्योंकि भैया गए थे, भैया को भी नहीं दिखा। ढूंढ के जाएंगे भाई, डोंट वरी भाई, कसम से कोई और होता ना तो चला गया होता। अरे कैसी बात करा मेरी जान, ले के ही जाएंगे भाई उसे, चाहे आज लाइट लगवा के। दो आदमी और मुझे भी उतरना पड़े उनका सिलेंडर, सिलेंडर लेके जाए, मुझे भी कूदना पड़े उनके साथ। आज मेरा भी ड्राइव हो जाएगा स्विमिंग टेस्ट। तो अभी खुशी जा रही है सामान रखने के लिए गाड़ी में, क्योंकि डर लग रहा है कभी वो सामान भी ना गिर जाए गलती से हमारी। तो अभी वो जो भाई आप सामने देख रहे हो दिस वन, तो वो अभी जाने वाले हैं। उन्होंने सिलेंडर वलेंडर का सेटअप कर लिया है, तो ये भाई जा रहे हैं अभी बेसिकली। और उन्होंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ हमें लैंग्वेज समझ नहीं आई। तो ये अंदर जाएंगे ऑक्सीजन वो लेके। दिस साइड ओके। तो अभी ने मार्क भी दे दिया बेसिकली, जिस जगह का सामान गिरा है वो ये मार्क है। तो अब वो इस मार्क को फॉलो करेंगे और उसके आसपास देखेंगे जाके। सो अभी हमारे माइंड में आया कि हमें कॉल कर लेनी चाहिए उस नंबर पर। तो आप देखो कि लखन भाई कॉल भी नहीं जा रही इस पर, तो भाई डेड हो गया मेरे हिसाब से ना, सिर्फ और सिर्फ। थैंक यू सो मच ब्रो, वाओ फाइनली थैंक्स टू गॉड। मेरे भाई ने साथ में छोड़ा। थैंक यू सो मच ब्रो, माय गॉड वी वांट टू सी, वी वांट टू। चल रहा है, इट्स वर्किंग। भैया दिखाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चल रहा है यार, लव यू ऑल, चल रहा है, कॉल लव यू वर्किंग। Brother, God is watching and you are doing a good job. Let me say this. So you are care. I wish for you know all the happiness in your life. No, कुछ भी ऐसा होगा ना, हम पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ क्योंकि नहीं, this is for you. Love you bro, love you. You are a nice person by the way. Okay. You are. Thank you so much brother. Thank you so much. Thank you. इन सब से हटके एक बात और करूँगा, हमारे जो ड्राइवर भैया है ना, ये अलग ही तनाव में है जीवन के। आज कैमरा लेने जा रहे थे, फोन लेके आना पड़ता है। ये भाई इतना तगड़ा है, ये हमारे चक्कर में पिछले घंटे से गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा है। So, हम लोग आ चुके हैं विला में वापस, और अभी भैया और सारे जने हम लोग करेंगे पूल पाती। तो अभी खुशी एडिटिंग कर लेगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं ये मुझे बुला रहा है सुबह से अपनी तरफ। आओ चलो, मैं आपको छोड़ के आऊं, चलो। वाह कैसा है, एक नंबर पानी। हाँ लिटरली एक नंबर पानी। बुग्गू आप इतने सारा हार्डवर्क कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मैंने आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करी, अभी बना के लाती हूँ। कल वाली टेक्निक मुझे पता चल गई थी, इसलिए मैंने दूध दो मंगवाए हैं। ये रही विवेक की कॉफ़ी एंड दिस इज माइन। और यहाँ पे विवेक कर रहे हैं एडिटिंग। इतना हार्डवर्क, हम घूमने के लिए आए हैं लेकिन स्टिल क्योंकि व्लॉग भी डालना बहुत ज़रूरी है, तो हाँ तो ये कर रहे हैं एडिटिंग, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। इस बार हम अलग अलग शॉट मतलब लाइक ड्रोन के शॉट, ये शॉट वो शॉट सब कर रहे, इसलिए टाइम लग रहा है। वाइब यार दोबारा मैंने देखी है। आज के लिए बस इतना देखते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल से पहले सब्सक्राइब कर दो। एंड कल हम लोग जा रहे हैं पटाया, कल हम लोग जा रहे हैं पता है, तो कल खूब एंजॉय करोगे आप लोग हमारे ब्लॉग्स को, कल और अलग वाइब आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा ना तो प्लीज दबा के शेयर करो, आने वाले टाइम पे ना तूफान सब्सक्राइब भी कर दो। बाय गाइस, अभी हम डिनर करके हम भी सो जाएंगे।